और सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की कहानी अभी ठंडी नहीं पड़ी है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच के चार्जशीट में इस बात का पर्दाफाश हुआ कि सलमान के घर फायरिंग से एक दिन पहले साबरमती जेल बिश्नोई साबरमती जेल से ही शूटरों और अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने शूटरों से कहा, तुम्हारा काम अच्छा होगा, तुम फिक्र मत करो और फायरिंग के लिए तैयार हो जाओ। इस बातचीत के बाद लॉरेंस के कहने पर अनमोल बिश्नोई ने विकी गुप्ता को 19,000 और सागर पाल को 18,500 रुपए भेजे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई से बात करने के बाद सागर पाल इस फायरिंग को अंजाम देने के लिए इतना मोटिवेट हुआ कि इस मिशन में रुकावट बनने वाले किसी भी शख्स को गोली मारने के लिए तैयार था। उधर इसराइल में हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। ईरान की राजधानी तेहरान में इसराइल के हमले में इस्माइल हानिया और उसका बॉडीगार्ड मारा गया। इस्माइल हानिया की मौत और इसकी पुष्टि ईरान और हमास दोनों ने कर दी है, जबकि इसराइल की ओर से अभी तक इस पर बयान सामने नहीं आए हैं। देखिए रिपोर्ट। सौ दिन बाद इसराइल का बदला पूरा। इसराइल ने आखिरकार हमास से 7 अक्टूबर के नरसंहार के मास्टरमाइंड हमास चीफ इस्माइल हानिया को इसराइल ने वहां मारा जो जगह है उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित थी। तेहरान में इसराइल का ऑपरेशन इंतकाम। हमास चीफ इस्माइल हानिया को इसराइल ने गाजा, फिलिस्तीन, कतर या फिर सीरिया में नहीं बल्कि उसे मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान में मारा। और ऐसा करके इसराइल ने पूरी दुनिया को दो संदेश दिए। पहला संदेश ये कि इसराइल के दुश्मन के लिए पूरी धरती में कोई जगह सुरक्षित नहीं। दूसरा संदेश ये, दुश्मन से बदला लेने में मोसाद से खतरनाक एजेंसी पूरी दुनिया में नहीं। इस बदले के साथ ही इसराइल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो अपने दुश्मनों को ना भूलता है और ना ही माफ करता है। दुनिया हैरान, ईरान में कोहराम। इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए मौका भी ऐसा चुना जब इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। यानी इसराइल का शैतान कहे जाने वाला हानिया ईरान का राष्ट्रीय मेहमान था और वो ईरान की राजधानी तेहरान के जिस घर में रुका था वहीं उसकी एक गार्ड समेत हत्या कर दी गई। वीडियो ने कराई हानिया की हत्या। हानिया की हत्या की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। 30 जुलाई यानी कल हानिया
तेहरान में था। इस दौरान हानिया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मिला था। दोनों की इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था। माना जा रहा है कि इसी वीडियो से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को उसके ठिकाने का सुराग मिला। हानिया के अलावा इजराइल का दूसरा निशाना बना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फाउद शुकर, उसे इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मार गिराया। This evening, the IDF carried out a targeted strike in Beirut on Fuad Shukr, also known as Said Muhsin, Hezbollah's most senior military commander. हमास के टॉप कमांडर की हत्या के बाद पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हैरान है। ईरान ने इस्माइल हानिया की हत्या पर हमास, फिलिस्तीन और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए संवेदना व्यक्त की है, लेकिन ईरान ने अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि तेहरान में हानिया की हत्या कैसे हुई। हानिया की हत्या के बाद ईरान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं हमास ने कहा है कि इसराइल ने टारगेटेड मिसाइल हमले के जरिए हानिया की हत्या की और हमास इस हत्या का भयानक बदला लेगा। और पिंक सिटी जयपुर में 7 अगस्त को शाही लवाजमे के साथ तीज की सवारी निकाली जाएगी। वहीं अगले दिन यानी कि 8 अगस्त को बूढ़ी तीज की सवारी निकलेगी। इस आयोजन को और भव्य बनाने के लिए और पर्यटन विभाग की ओर से बेहद खास तैयारियां कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट देखिए। हर साल की तरह ही इस बार भी सजे धजे हाथी, घोड़ों और ऊंटों के लावजमे के साथ पिंक सिटी में तीज की शाही सवारी निकाली जाएगी। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को इस कार्यक्रम और खास बनाने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन विभाग अब इस आयोजन को और भव्य बनाने की कवायद में जुटा है। तीज की सवारी के दौरान जहां 150 कलाकार राजस्थानी लोक नृत्यों की प्रस्तुति देंगे, तो वहीं ड्रोन के जरिए जुलूस पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इस बार डिप्टी सीएम मैडम के भी हमने आदेश है कि इसको और अच्छे से किया जाए, तो इस बार हम लोग जनानी जोड़ी से ही इसमें कुछ इसमें जैसे आर्टिस्ट वहाँ हम बैठा रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि जो सवारी निकलेगी उस पर बाकायदा ड्रोन से पुष्प वर्षा हो। छोटी चौपड़ पे व्यापार मंडल के सहयोग से और डिपार्टमेंट के आर्टिस्टों के माध्यम से वहाँ स्टेज बना के वहाँ परफॉर्मेंस भी रहेगा और उन पर फ्लावर पिटर्स भी शोर करेंगे। अब तक हम 100 होटल पे टूरिस्ट की बैठने की व्यवस्था करते हैं, इस बार इन होटल के सामने एक ज़्यादा समय मिला है। तीज की सवारी त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गरगौरी बाजार होते हुए ताल कटोरा पहुंचेगी। इस दौरान पूरे रास्ते में लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। छोटी चौपड़ पर लोक कलाकार घूमर और चरी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। वहीं ताल कटोरा पर कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ बैंड वादन की प्रस्तुति दी जाएगी। तीज को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट इस बार क्या कुछ अलग करने जा रहा है, क्या नया देखने को मिलेगा? जो आगामी तीज है, इस तीज को हम वृहद स्तर पर मनाने का तैयारी कर रहे हैं। हमेशा की बजाय इस बार तीज को थोड़ा और नया रूप देने का प्रयास रहेगा और तीज के लिए हम जो हर साल जो तीज मनाते हैं उसके साथ साथ हम एक तो कलाकारों की संख्या जिसमें हम बनाएंगे। तीज की शाही सवारी को देखने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक हर साल जयपुर आते हैं, लेकिन इस बार तीज की सवारी का सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे लोग भी लुफ्त उठा सकेंगे और जयपुर में भी पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर LED स्क्रीन के जरिए जुलूस का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट।
और संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच जातिगत जनगणना की मांग के दौरान जमकर बहस हुई। मामला तब और बढ़ गया जब अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए ये कह दिया कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद जबरदस्त हंगामा छिड़ गया। जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? सदन की तस्वीर इन दिनों किसी सियासी अखाड़े से कम नहीं है। विपक्ष इस बार हर मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहा है तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को करारा जवाब दे रहा है। लेकिन मंगलवार को सदन में जातिगत जनगणना के मुद्दे ने ऐसा रूप ले लिया कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच जुबानी संग्राम छिड़ गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को घेर लिया। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के बयान पर सदन में जबरदस्त तूफान मचा। राहुल गांधी ने बीच में ही अनुराग ठाकुर के बयान का विरोध किया लेकिन ये भी कह दिया कि उन्हें अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। इस बीच अखिलेश यादव भी सियासी अखाड़े में कूद पड़े और उन्होंने राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर पलटवार किया। अखिलेश ने सवाल किया कि आखिर कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति, तुम आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति। यानी सत्ता और विपक्ष के बीच अब ये सियासी लड़ाई और दूर तक जाने वाली है क्योंकि दोनों तरफ से बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। अनुराग ठाकुर साहब को तमीज सीखनी चाहिए। राहुल जी ने जो कहा है सही तो कहा है। देश के अंदर जब तक आप पता नहीं करोगे कि कौन किसकी तादाद कितनी है, तब तक आप किसी की मदद कैसे कर पाओगे। जाहिर है सियासत की ये जंग अभी और बड़ी होने वाली है।